तो हमें क्या करना पड़ेगा? We need to find our purpose and dreams. बहुत सारे लोगों के कुछ तो ऐसे ख्वाब रहे होंगे जो अब एनर्जी ना मानते हुए हमने करने छोड़ दिए, पर मन था कि शायद वो कर लेते, चाहे वो करियर रिलेटेड था, चाहे वो हॉबी रिलेटेड था, पर कुछ तो रहा होगा पर आज भी चाहते हैं उसको करें। वो एक छोटी सी हॉबी भी हो सकती है परस्यू करना, जैसे डांसिंग या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, पोएम लिखना, कोई और क्रिएटिव राइटिंग करना, कुछ भी चीज। सब 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 उनको क्लैप करके एक बार बधाई दो कि काश आप वो कर पाए, है ना? बताए ना, उसने कहा कि फैमिली इनकम होगी तभी वो रिच बन सकता है, सुपर रिच। और धीरू भाई अंबानी ने उसको रुटला दिया। यस नो? दूसरा, इस 60 की एज, जैसे अभी सर ने भी ये बात कही, ये 60 की एज आई कहाँ से? सोसाइटी एक दिमाग बनाने लग जाती है, एक माहौल होता है ना कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा इतने कदम चल लिए हैं तो अब तो थक गए होंगे, पर ये तो उन्होंने बताया। इतने लोग हैं जो वैसे कहते हैं कि उनसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चला नहीं चाहता, पर वो ये भी जानते हैं गिरिराज की यात्रा करा होता या नहीं होता, वो किलोमीटर्स की यात्रा पूरी हो जाती है, पर वैसे कहा जाता है 1 किलोमीटर कैसे चल पाए। जो यहाँ पर मान के बैठे वहां पे जब चलना शुरू किया तो यही मान के करे अब तो पूरा करने आए हैं, तो वो पूरी हो जाती है। जब ये मान के बैठे कि नहीं होनी तो नहीं होती है। ऐसी एक स्टोरी है KFC की, जहाँ पे मैं होटल में रुका हुआ हूँ उसके साथ में ही KFC रेस्टोरेंट है। कितने लोगों को ये बात पता होगी, KFC ने जो उसके फाउंडर है हॉलैंड सैंडर, वो रेस्टोरेंट 65 की एज में शुरू किया। 65 की एज में KFC की शुरुआत हुई थी और अभी तक उसकी 20,000 से ज्यादा ब्रांचेस हो चुकी। वो वेंचर जो शुरू ही 65 में हुआ, जिसको हमने रिटायरमेंट की बात कर, जब ऐसी बातें करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि वो बात ठीक है पर कुछ दिक्कत है हमारे साथ, ऐसा नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे साथ, ये नहीं हो रहा है। क्या क्या हो रहा है और क्या होने के बावजूद भी इमोशंस, इसकी बात कहेंगे तो वो क्या चीज ही ऐसी है। जब ऐसा वीडियो देख लो, कई बार अपना भी कहीं और कुछ मुश्किल लग रही होती है तो इस वीडियो को देख लेते हैं तो लगता है क्या ही ये मुश्किल है। जो लोग को चाहिए तो मैं ये वीडियो रवि जी को दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आपके पास भी रहेंगे अगर आपको कभी ये देखना हो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में क्या मिसिंग है, अगर हम उस पर ही ध्यान रखते रहेंगे तो क्या है वो तो दिखेगा। यस नो? ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, पर इस वीडियो को देखने लगता होगा कि बहुत कुछ है।